बड़ा करंट है भाई सब में, जिसको हाथ लगाओ 250 वॉट का मार रहा है। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस झुकती नहीं जवानियां और रुकती नहीं रवानियां। अरे मैं तो जैसे मोर बादलों को देख के खुश होता है ना, वैसा मैं जोश में खड़े नौजवानों को देख के खुश होता हूं। सरदार खुश हुआ, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। ढाका साहब सुन लो, शिवराज चौहान के मुंह पे ढक्कन लगा देंगे आप, सुन लो। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। ठोको अपने नाम पे ठोको। और ये नौजवान जब उठेगा, सैलाब जब उठेगा, देश प्रेम जब जागेगा, तो सिद्धू छाती ठोक के कहेगा कि अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते। मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लोग जनाब नहीं होते, चरागों की तरह खुद को चलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब, इनकलाब, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दूध को भट्टी पे धर दो तो दूध का उबलना निश्चित है, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, तो शिवराज चौहान तुम्हारी सरकार का उलटना भी निश्चित है। ये तय है, ये तय है। जिस तरह से 15 साल पुरानी गाड़ी पंजाब में कचरा बना के फेंक दी जाती है, लोहा बना के, दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी सरकार कहती है काला धुआं मारती है, इंजन फक फक भक करके चलता है। 15 साल पुरानी गाड़ी कचरा बना के जंकयार्ड में फेंक दी जाती है, और कौन कहता है कि शिवराज चौहान काला धुआं नहीं मार रहा? कौन कहता है कि वो काले धुएं से अपना मुंह काला नहीं कर रहा? मामा तो गयो, और ऊपर ठाकुर भी गयो। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठोको ताली ठोको टिका के। गयो भैयो, गयो गयो, ये तो गयो। बुरे दिन जाने वाले हैं। क्यों भाई? बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल भैया आने वाले हैं। ठोको ताली ठोको। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा, कजा होती है मौत, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। आए खाक नशीनों, उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो, चलते भी चलो, कि अब डेरे लाल किले पे राहुल भाई का झंडा चढ़ाने पे ही डाले जाएंगे। ठोको ताली। मित्रों, बड़े बड़े पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है मोदी सरकार, अडानी और अंबानी की कठपुतली बन गई है मोदी सरकार। अगर किसान 1 लाख रुपए नहीं देता तो उसकी बुनियादी होती है, ढोल पीट पीट के उसकी जमीन को नीलाम करते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको बेईमान कहते हैं। लेकिन ये तो बताएं मोदी साहब, किसानों की जमीनें तो नीलाम कर दी आपने,
अडानी ने 1,00,000 करोड़ रुपया वापस देना है, ये अंबानी और अडानी के साथ आपका कौन सा टांका फिट है, कौन सी लक्ष्कोजी बात है, कौन सी ऐसी बात है? बड़े बड़े पूंजीपति कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल, सरकार को कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी और अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताली, यही सत्य है, यही सत्य है, और इस सत्य से कोई भाग नहीं सकता। नरेंद्र भाई मोदी, तुम्हारी वचनबद्धता आज झूठ में तब्दील हो गई है। 2014 की लहर जनता पे कहर बन के बरस रही है, आम आदमी के लिए जहर बन गई है। भाइयों बहनों, नहीं होगी आज मन की बात, आज होगी जन जन की बात, विदेशों में छुपे काले धन की बात। ठोको ताली। जो कहते थे 15,00,000 के तुम्हारे बैंकों में जमा कर दूंगा, आया 15,00,000? आया? भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में ला के दे दूंगा, आई क्या नौकरी? भाइयों बहनों, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, क्या चल गई? पलक झपकते ही चल गई? नहीं चली, नहीं चली। गंगा साफ कर दूंगा, हो गई साफ? तो मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू? क्या मिला बाबा जी का ठुल्लू? क्यों, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, किसान की पगड़ी का सवाल है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालोए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल। हो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे मेक इन इंडिया बनाऊंगा, मेक इन इंडिया। भाइयों बहनों, बरेली चले गए। भाइयों बहनों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती क्योंकि झुमका यहीं तो गिरा था। लो पकड़ लो पूंछ, ये प्रधानमंत्री है, ये वही प्रधानमंत्री है जो कहते थे कि विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। नोटबंदी की तुगलकी फरमान छोड़ा, काला धन लाऊंगा, सिर्फ 5,00,000 करोड़ नहीं आएंगे। यदि काला धन हिंदुस्तान में था तो 99.3% पैसे वापस कैसे आ गए? मोदी जी, तुमने गरीब को खड़ा कर दिया, तुमने कैश को कटघरे में खड़ा कर दिया। 99% भारत की अर्थव्यवस्था कैश में चलती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है। मैं तुमसे पूछता हूं मोदी साहब, वो लेबरर जो 400 रुपए दिन लेता है, क्या इनकम टैक्स भरता है? क्या वो चोर है? वो किसान के खेत में जो मजदूर काम करता है, 400-400 रुपया लेता है, क्या वो चोर है? वो चाय वाले के, हाँ चाय वाला तो समझेंगे, वो चाय वाले के यहां जो नौकरी करता है 300-300 रुपया लेता है, क्या वो चोर है? वो गृहिणी जो 500-500 रुपए अपने घर वाले से डर के छुपाती है आपदा के लिए, क्या वो चोर है? तुमने उन लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया। मोदी साहब, वो गाना गाते थे 4 दिन की जिंदगानी, 2 इंतजार में और 2 कतार में। 100 लोग मर गए, कोई अमीर वहां खड़ा पाया आपने? नहीं, क्योंकि कैश में कोई ब्लैक मनी नहीं रखता, बोरियों में कोई ब्लैक मनी नहीं रखता। ब्लैक मनी एसेट्स में होती है, जमीनों में होती है, सोना चांदी में होती है, यूरो में होती है, डॉलर में होती है, पाउंड में होती है, और विदेशों में छुपाई हुई होती है। राजन लिस्ट ने 17 पूंजीपतियों के नाम दिए, नीरव मोदी से लेके अंबानियों के नाम दिए कि इनको पकड़ लो देश बच जाएगा। एक का नाम मोदी ने नहीं बताया। 1400 आदमियों के नाम जेठमलानी ने कोर्ट में, सीबीआई का एफिडेविट है, 30,00,000 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है। मोदी साहब ने उन नामों का नाम कभी आज तक तकाजा नहीं किया। तो क्या हो गया कि आप सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों की बात करते हो? रिलायंस ने 45,000 करोड़ रुपया देना है, अडानी ने 1,00,000 करोड़ रुपया देना है, आलोक इंडस्ट्रीज ने 22,500 करोड़ रुपया देना है, एसआर ने 37,000 करोड़ रुपया देना है। क्यों, क्यों आप सिर्फ पूंजीपतियों की बात करते हैं और गरीब किसान की बात नहीं करते? गरीब किसान की बात अगर किसी ने की है,
सरदार मनमोहन सिंह ने की है, राहुल गांधी ने की है, 72,000 करोड़ के कर्जे माफ करके। 56 इंच की छाती से कुछ नहीं होता, बंदे हो हाथी, दिमाग से सब कुछ होता है। ये सरदार मनमोहन सिंह ने किया है। और इस बार गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा था, किसी ने पूछा बंदा कौन सा अच्छा और औरत कौन सी अच्छी, तो गुरु साहब ने कहा बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म हया हो। मैं नेक माँ का दूध पी के अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे रख के आपको वचन देके जाता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा। 10 दिन के अंदर किसान के सर के ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा। तुम बात करते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नरेंद्र भाई मोदी, तुम बात करते हो मेक इन इंडिया कि सब कुछ हिंदुस्तान में बनाओगे, अरे बुलेट ट्रेन तुम जापान से लेके आए, सरदार पटेल का बुत तुम चीन से लेके आए, राफेल जहाज तुम फ्रांस से लेके आए, तो हिंदुस्तानियों से क्या बनवाओगे? पकौड़े बनवाओगे प्रधानमंत्री जी? क्या हिंदुस्तान के नौजवान सिर्फ पकौड़े बनाएंगे? जवाब दो, जवाब दो। सनी देओल तारीख पे तारीख देता था, तुम झूठ पे झूठ बोलते हो। ठोको ठोको ताली ठोको, झूठ पे झूठ बोलते हो। एक रशिया का डॉक्टर था, कहने लगा हम तकनीकी तौर पे इतने तगड़े हो गए हैं कि हम गुर्दा निकालते हैं दूसरे के अंदर डालते हैं और 7 दिन में बंदा 9/9 होके नौकरी ढूंढने चला जाता है। तो अमेरिका का डॉक्टर बोला लाया भाई हम दिल निकालते हैं दूसरे बंदे के अंदर डालते हैं और 3 दिन में बंदा 9/9 होके नौकरी ढूंढने चला जाता है। अब जापान वाला आया, कह रहा तुम फेल, हम लोग बंदे की खोपड़ी खोलते हैं, छोटी मोटी बड़ी छोटी सब नाड़ियां बदल के खोपड़ी बंद करके 9/9 करके उसे चला देते हैं, 1 दिन में वो 9/9 होके नौकरी ढूंढने चला जाता है। अब हिंदुस्तान वाला डॉक्टर आया, बोला तुम सब के सब फेल, ये लोग काटा मार दिया। कह रहा हमने 4.5 साल पहले एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया, उसके दिल दिमाग की बात तो मैं कर नहीं सकता, पर पूरा देश नौकरी ढूंढने चला गया। ठोको ठोको ताली ठोको गुरु, ताली ठोको। भाइयों बहनों पकड़ लो पूंछ, विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है। चियांग उलसुई 55 साल राज किया उसने, उससे किसी ने पूछा चियांग सुशासन के लक्षण, उसने कहा पहला सशक्त हो राज्य और राज्य में शस्त्रों की कमी ना हो, दूसरा रोटी कपड़ा मकान का अभाव ना हो, तीसरा जनता का राजा पे विश्वास हो। तो उसके गुरु ने कहा इनमें से 2 चीजें निकाल दे तेरा सिंहासन ना डोले, क्या निकालेगा? उसने कहा रोटी कपड़ा मकान निकाल देता हूं, मेरे राज्य में 20-25 हजार लोग भूख से मर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे राज्य में 20-25 हजार भूख से मर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंहासन नहीं डोलेगा। शस्त्रों को भी मैं त्याग देता हूं, प्रेम से बन जाएंगे लोग, सिंहासन नहीं डोलेगा, लेकिन अगर जनता का राजा पर से विश्वास उठ गया तो सिंहासन उसी पल टूट जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी, नहीं है विश्वास भारत की जनता को तुम्हारे ऊपर। तुम कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 27,000 बच्चियां छत्तीसगढ़ में से अगवा कर ली गई, मुंबई की मंडियों में बिक रही है वो, दिल्ली की मंडियों में बिक रही है वो, रेप में मध्य प्रदेश सबसे आगे हो गया, 15 करोड़ केसेस हैं बलात्कार के, बहिष्कार के, मेल न्यूट्रिशन में, भूखमरी में, हर रोज 80 बच्चे मरते हैं मध्य प्रदेश में, 23 लाख नौजवान नौकरी लेने के लिए खड़ा है। नरेंद्र भाई मोदी, किसी को तुम पे विश्वास नहीं रह गया है, अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, उनका निकलना चाहिए। 27,000 बच्चियां मंडियों में बिके, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो जाए, और तुम कहो बेटी पढ़ाओ
बचाओ। धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ये प्रण है। तुमने कहा ब्लैक मनी बंद कर देंगे, तुमने सारे देशों को देखा $1,000 बंद करके, $500 बंद करके अमेरिका ने $100 चालू किया, $100 चालू किया। उसके बाद इंग्लिस्तान ने, इंग्लैंड 5,000 पाउंड बंद किए, 10,000 पाउंड बंद किए, 500 पाउंड बंद किया और 50 पाउंड शुरू किए। मोदी जी, ये आपकी कैसी उल्टी गंगा बही कि आपने 500 रुपए बंद किए, 1,000 बंद किए और 2,000 का गुलाबी नोट शुरू किया। ये कैसी उल्टी गंगा है कि आपने ब्लैक मनी को पर्पल कर दिया, गुलाबी कर दिया। और मैं अमित शाह जी, जानदार शानदार और वजनदार अमित शाह जी, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि जिस अहमदाबाद के बैंक के आप डायरेक्टर हैं, एक ही दिन में 735 करोड़ रुपया उस बैंक में जमा होता है जिसकी इनकम 13 करोड़ रुपया है। 5 दिन में 735 करोड़ अगर जमा करवाना हो ना ढागा साहब, तो 1 घंटे में 12,000 आदमियों को 2.5 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा। अगर 12 बंदे ही करवा जाए ना, तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे निकलने के लिए तैयार हूं। तुम झूठे हो। तुमने वो ब्लैक मनी पर्पल करके अपने लिए रख ली और तुमने विदेशों में छुपे नीरव मोदी, माल्या, चोकसी, इनके वकील भी तुम्हारे बच्चे थे, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे थे, उनको तो तुमने जाने दिया और किसान को तुमने ठोक दिया, गरीब को तुमने ठोक दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी। अब मैं धागा साहब आपको सारी समस्याओं के हल बताता हूं। यहां पानी नहीं आता ना, आप ये करोगे तो पानी भी आएगा, ठीक है। अब मैं समस्या का हल बताता हूं। लो जी, एक बार धागा साहब, कहानी बड़ी तकड़ी है, धागा साहब चढ़ गए हवाई जहाज में बैतुल के ऊपर, साथ में कौन, मोदी, हवाई जहाज। और मोदी जी के साथ कौन, जानदार शानदार वजनदार, कौन, अमित शाह जी। और उसके साथ में कौन, मामू, शकुनी मामा, मामू शिवराज। तीनों चढ़ के बैठ गए तो ऊपर जा गई, मोदी साहब ने कहा, भाइयों, मैं समझता हूं कि 100 का नोट अगर बैतुल में फेंको तो एक आदमी की जिंदगी बन जाएगी, एक आदमी की जिंदगी बन जाएगी। तो अमित शाह जी साथ में बैठे थे, बोले 100 के नोट को 10-10 के 10 नोटों में तोड़ो और 10 नोट बैतुल में फेंको तो 10 आदमी की जिंदगी बन जाएगी। बोला, वाह यार, तुम तो चिदंबरम साहब से भी ऊपर निकल गए यार, क्या बात है यार, हैं? इतने में मामा बोला 100 के नोट को 100 सिक्कों में तोड़ लो, छन्न छन्न और टन टन, हैं? 100 सिक्के बैतुल में फेंको, 100 आदमी की जिंदगी बन जाएगी। इतने में अपने नौजवान ढाका साहब बोले, मेरी भी सुन लो। कह रहा, सुनाओ भाई, तुम सुनाओ मोदी साहब। कह रहा, तुम तीनों को हवाई जहाज के नीचे फेंक दो, पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बन जाएगी। ठोको ठोको ताली ठोको। ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, वोट से चोट करना है, ये लड़ाई बुलेट की नहीं है, ये लड़ाई बैलेट की है। 2,000 के नोट में मत बिक जाना, जमीर मत बीच बेच देना। ये वोट देने का अधिकार तुम्हें शहीद आजम भगत सिंह ने दिया है, राजगुरु ने दिया है, सुखदेव ने दिया है। ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है, बिछ गए वो नीम में, दीवारों के नीचे खड़े हैं ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े। मध्य प्रदेश की तरफ खड़े होकर वोट डालना, हिंदुस्तान की तरफ खड़े होकर वोट डालना, वोट डालना आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा वोट बहुत शानदार है। अपने आप को छोटा मत समझना, कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधु, कांग्रेस को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद को हराती है, खुद को हराती है। कोई लीडर
भाग्यशाली मानेगा अपने आप को जैसे जिसके पास आप जैसा कार्यकर्ता हो। समंदर हो तुम, सिद्धु जैसी नौकाएं आएंगी और जाएंगी, टूट के बिखर जाएंगी, लेकिन तुम समंदर की तरह लहराते रहोगे। सिद्धू एक्स हो जाएगा, ढागा साहब एक्स हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होगा। छोटे छोटे तिनके अगर छप्पड़ बन जाएं, तो मूसलाधार बारिश को रोक सकते हैं। चिड़ियां इकट्ठी हो जाएं दोस्त, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, शेर की खाल खींच सकती है। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। इसलिए इकट्ठे हो जाओ और ये हाथ डॉक्टर डैंग का थप्पड़ बना लो, ग्रीस लगा के ऐसा मारो कि कालक भी दिखे और इस थप्पड़ की गूंज शंखनाद करे, पूरे देश में शंखनाद करे। ये नींव धरेगा 2019 को लाल किले पे राहुल गांधी झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री बन, ये नींव धरेगा इलेक्शन। ये शंखनाद है, दिस इज द फाउंडेशन, देयर कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। ये है वो रूट। और मैं ढागा साहब के लिए, तिनके से हल्की होती है रुई, रुई से हल्का मांगने वाला आदमी, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख तक नहीं मिलती। मैं जब अपने गुरु के आगे झुकता हूं तो मैं कहता हूं, गुरु साहब मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अपना बना ले। और कौन कहता है कि वो परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद मसीद में लिखा है? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, गन्ने में गुड़, दूध में मक्खन, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बनके तुम्हारे दिलों में छुपा है, तुम्हारे भीतर छुपा है मेरे भाइयों, तुम्हारे भीतर छुपा है। मैं ये पगड़ी तुम्हारे चरणों में झुकाता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। पगड़ी तुम्हारे चरणों में झुकाता हूं और तुम्हें कहता हूं, ढागा को अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो, फिर देखो कांग्रेस की गाड़ी चले पम पम पम। ठोको ताली ठोको, टिका के ठोको। गए हो ना पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखा है ना, वाह वाह। खोलूंगा पोल, $150 का जब एक ड्रम था $150 का, तब सरदार मनमोहन सिंह ने 80 रुपए ऊपर जाने नहीं दिया तेल, और तुम आए, तुम्हारी लॉटरी लगी $40 का एक बैरल हो गया इंटरनेशनल प्राइसेस में। क्या तुमने फायदा गरीब को दिया? क्या गरीब को तेल सस्ता करके दिया? क्या तेल को GST में लाए, एसेंशियल कमोडिटीज में 45 रुपए का हो जाता, क्या वो किया? तुमने फायदा दिया रिलायंस के पेट्रोल पंपों को मोदी साहब, तुमने फायदा दिया SR के पेट्रोल पंपों को। $150 जब रेट था तो वो पंप बंद हो गए थे, $40 आया, तो फायदा दिया रिलायंस, फायदा दिया SR। अमीर खड़े कर दिए, गरीब रौंद डाले, रौंद लाइनों में खड़े करके रौंद डाले, मरवा दिए तुमने। फायदा तुम सिर्फ उनको देते हो। रिलायंस वालों ने केजी बेसन से रिलायंस वालों ने ONGC का तेल चुराया, कमेटी बनी, कोर्ट ने कहा 1200 करोड़ वापस करो, आज तक तुमने वापस नहीं किए। तुम्हारा इन अमीर पूंजीपतियों से क्या टांका बिड़ा है, क्या अंदर की बात है, लक्सकोजी बात है, ये बताओ तो सही, क्या बात है कि ये सब गाने गा रहे हैं, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अडानी अंबानी जैसा मिलेगा। डिफॉल्ट कंपनी राफेल डील में बर्बाद हुई अंबानी साहब की कंपनी, 7500 करोड़ रुपए की ब्लैक लिस्टेड, उस कंपनी के डिफॉल्ट कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 1100 में खरीदा। जवाब दो प्रधानमंत्री साहब, किसानों की कुर्की करवाते हो, गरीबों को लाइनों में खड़ा करते हो, खुद के नोट ब्लैक मनी को पर्पल करते हो, तो क्या टांका बिड़ा है कि डिसॉल्ट में 10 रुपए का अंबानी साहब का शेयर 1100 रुपए में खरीद लिया? क्या ये तुम्हारा इंसाफ है? क्या इस तरह से सरकार चलाओगे? इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, ये इबादत है। मोदी साहब 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी, आज डीजल की कीमत यहां
75 रुपए है, 15 गुना बढ़ गई पेट्रोल और डीजल की कीमत। तुमने डीजल पे 400 गुना एक्साइज ड्यूटी लगाई। तुमने जितनी यूपीए की सरकार थी, तुमने पेट्रोल पे 250 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। तो मुझे तुम ये बताओ कि जब 15 गुना डीजल की प्राइस बढ़ गई, तो किसान की एमएसपी की प्राइस सिर्फ 5 गुना क्यों बढ़ाई, वो 15 गुना क्यों नहीं बढ़ी? नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अडानी अंबानी जैसा मिलेगा। मित्रों, हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है। ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे, जब भी मैं कोई निर्णय लेता हूं मैं आंख बंद करता हूं और देखता हूं कि आखिर में जो कतार में खड़ा है सबसे गरीब, मेरा निर्णय उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा। मोदी साहब, आपने भी अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो वो अंत्योदय है, आपने भी पढ़ी होगी। क्या आप उस गरीब का सोचते हैं या अडानी और अंबानी का सोचते हैं? हर दिन दुखी मन में, दगा सुन ले दोस्त, हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। सच्चाई, सच कड़वा होता है लेकिन हजम नहीं होता। सिद्धू सच बोलता है, जब भी बोला है सच बोला सिद्धू ने, सोच समझ कर ही मुंह खोला सिद्धू ने। सच से देखें कितने घायल होते हैं, अरे छोड़ दिया है तोप का गोला सिद्धू ने। प्रधानमंत्री जी, एक बंदा शरीर छोड़ गया, उसको ऊपर ले गए धर्मराज के पास, 2 किलोमीटर का कमरा था धर्मराज का, वहां घड़ियां लगी हुई थी। उसने कहा ये किसके लिए लगाई है? बोला ये तेरी घड़ी है, तूने 4435 झूठ बोले, जितनी बार तू झूठ बोलता था घड़ी एक बार घूम जाती थी, खटक खटक खटक, तूने 4435 बोले। बोला अच्छा, और ये 0 पे खड़ी है जो बड़ी वाली घड़ी? बोला ये सत्यवादी हरिश्चंद्र की है, उन्होंने एक भी झूठ नहीं बोला, घड़ी 0 पे खड़ी है, एक बार नहीं घूमी। कह रहा अच्छा, सजा मिलेगी? कह रहा हाँ। कह रहा यार एक बात बता दो, हमारे प्रधानमंत्री की घड़ी कहाँ है? कहना वो हमने ऑफिस में रखी है, वो टेबल फैन का काम दे रही है, ठकड़क 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 ठकड़क। ये हाल है प्रधानमंत्री का, इसलिए मुझे जाना है, बोल रहे हैं आगे 3 रैली है, नहीं तो मैं यही झंडे गाड़ देता। कह रहे थे उजाला कर देंगे उजाला स्कीम से गरीब के घर में जो सिलेंडर 450-450 का मिलता है, गरीब को तुम 900 रुपए का देते हो, 900 रुपए का, हजार हो गया, हजार कर लो, कर दिया गरीब बीमार। मित्रों, ये फैसला तुम्हारे हाथ है, ये फैसला तुमने करना है, ये आज तुम्हारे हाथ में है। मैं जब जवान था छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार, क्या मैं जब जवान, आप भी जवान हो, क्या बात कर रहे हो, अभी भी जवान हूं, छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। तुम ऐसा छक्का मारो, ये भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के बाहर मारो ठोक के। और आज इस मौके पे धागा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, एक बात का मैं और शुक्रगुजार हूं, और वो साझा मुद्दा है, आतंकवाद से हम साझा लड़ते हैं। करतारपुर साहब का कॉरिडोर, बाबा नानक का, उनके दर का, जहां 18 साल बाबा नानक ने कर्म करने की कृत करो, नाम जपो और बांट के छको, ये मैसेज दिया दुनिया को। आज भारतीय सरकार ये कहती है कि उस लांगे को वो खोलेंगे, ताड़ी बजाओ ठोक के। मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, कुछ मुद्दे साझे होते हैं। और मैं वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उनको भी इल्तजा करता हूं कि आपने, फवाद चौधरी साहब ने पहले ही कहा था कि हम उस लांगे को खोलने के लिए तैयार हैं। 12 करोड़ नानक नाम लेवा है, और बाबा नानक सारी दुनिया के थे, सिंधी भाइयों के ज्यादा हैं,
वो जोड़ते थे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे, एक क्यों उनकार सृष्टि एक सारी दुनिया के सांझे बाबा नानक का लांगा जिस दिन खुलेगा दोनों सरकारों की जय जयकार होगी। मैं विनती करता हूं विनम्र कि भारत सरकार चिट्ठी लिखे, क्योंकि जाना हमने है, जब वीजा लेना होता है तो हम अप्लाई करते हैं, चिट्ठी लिखे। और सुषमा जी कहती थी कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, मैं आस करता हूं कि तैयार हो गया होगा। और मैं पाकिस्तान के वजीर आजम को भी कहता हूं कि आप भी वो कदम उठाएं जिसका आपने उद्घोषणा किया था, और फवाद चौधरी साहब ने, और 12 करोड़ नानक नाम लेवा उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, और आप सबका भला हो। बात खत्म, खटे।